Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul, I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योगा एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा. इससे पहले मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करे थे, ये सेकंड पार्ट है. ये क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के बी ए एम ए पी जी डिप्लोमा एम एस सी योगा एंट्रेंस एग्जाम और अन्य यूनिवर्सिटी के योगा एंट्रेंस एग्जाम और योगा से संबंधित यूजीसी नेट और अन्य कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है. जो कैंडिडेट्स गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के योगा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम और यूजीसी नेट के लिए वो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे. और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ पे मैं आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा. कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए नोटिफिकेशन आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे. इससे पहले कि मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन बताए, अब मैं 31 से शुरू कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 31, गेरंड संहिता के 7 अध्याय कौन कौन से हैं? गेरंड संहिता के 7 अध्याय कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है षटकर्म प्रकरणम, पहला है षटकर्म प्रकरणम, दूसरा आसन प्रकरणम, तीसरा मुद्रा कथनम, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा ध्यान योग और सातवां समाधि योग. तो यहाँ पे गेरंड संहिता के जो 7 अध्याय हैं ये हैं षटकर्म प्रकरणम, दूसरे पे आसन प्रकरणम, तीसरे पे मुद्रा कथनम, चौथे पे प्रत्याहार, पांचवे पे प्राणायाम, छठे पे ध्यान योग और सातवें पे समाधि योग. प्रश्न 32, गेरंड संहिता में किसको प्रधानता दी गई है? गेरंड संहिता में प्राणायाम को प्रधानता दी गई है. गेरंड संहिता में प्राणायाम को प्रधानता दी गई है. प्रश्न 33, गेरंड संहिता द्वैतवादी है या अद्वैतवादी? गेरंड संहिता अद्वैतवादी है. प्रश्न 34, योग बीज एवं महार्थ मंजरी नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. योग बीज एवं महार्थ मंजरी नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? उत्तर है गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा. योग बीज एवं महार्थ मंजरी नामक ग्रंथ गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित है. प्रश्न 35, गेरंड संहिता ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? गेरंड संहिता ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? उत्तर महर्षि गेरंड द्वारा. महर्षि गेरंड ने गेरंड संहिता ग्रंथ की रचना की है. प्रश्न 36, गेरंड संहिता के प्रथम अध्याय उपदेश में किसका उल्लेख है? उस गेरंड संहिता का जो प्रथम अध्याय है उपदेश है उसमें किसका उल्लेख है? उत्तर है योग के षटकर्म का. गेरंड संहिता के प्रथम अध्याय उपदेश में योग के षटकर्म का उल्लेख है. प्रश्न 37, गेरंड संहिता के द्वितीय अध्याय में किसका उल्लेख है? गेरंड संहिता के द्वितीय अध्याय में आसन और उसके भिन्न भिन्न प्रकार का उल्लेख है. आसन और उसके भिन्न भिन्न प्रकार का गेरंड संहिता के द्वितीय अध्याय में उल्लेख है. प्रश्न 38, गेरंड संहिता के तृतीय अध्याय में किसका उल्लेख है? गेरंड संहिता के तृतीय अध्याय में मुद्रा के स्वरूप लक्षण एवं उपयोग का उल्लेख है. मुद्रा के स्वरूप लक्षण एवं उपयोग का गेरंड संहिता के तृतीय अध्याय में उल्लेख है. प्रश्न 39, गेरंड संहिता के चतुर्थ अध्याय में किसका उल्लेख है? इसका उत्तर है प्रत्याहार. प्रत्याहार का गेरंड संहिता के चतुर्थ अध्याय में उल्लेख है. प्रश्न 40, गेरंड संहिता के पंचम अध्याय में किसका उल्लेख है? इसका उत्तर है स्थान काल मितिहार और नाड़ी शुद्धि के पश्चात प्राणायाम की विधि बताई गई है. गेरंड संहिता के पंचम अध्याय में स्थान काल मितिहार और नाड़ी शुद्धि के पश्चात प्राणायाम की विधि बताई गई है. प्रश्न 41, गेरंड संहिता के छठे अध्याय में किसका उल्लेख है? इसका उत्तर है ध्यान करने की विधि और उपदेश. ध्यान करने की विधि और उपदेश का गेरंड संहिता के छठे अध्याय में उल्लेख है. प्रश्न 42, गेरंड संहिता के सातवें अध्याय में किसका उल्लेख है? गेरंड संहिता का जो सातवां अध्याय है उसमें समाधि योग और उसके प्रकार ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, राजयोग, इनका उल्लेख है. जो सातवां अध्याय है गेरंड संहिता का उसमें समाधि योग और उसके प्रकार ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, राजयोग, इनका उल्लेख है. प्रश्न 43, हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है स्वामी स्वात्माराम. स्वामी स्वात्माराम जी हठयोग प्रदीपिका ग्रंथ के रचयिता है. प्रश्न 44, स्वामी स्वात्माराम के गुरु कौन थे? उत्तर है गुरु गोरखनाथ. स्वामी स्वात्माराम के गुरु गोरखनाथ थे.
प्रश्न 45, हठयोग के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? हठयोग के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं हठयोग प्रदीपिका, गैरण संहिता तथा शिव संहिता। हठयोग के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ये हैं हठयोग प्रदीपिका, गैरण संहिता और शिव संहिता। प्रश्न 46, हठयोग की रचना कब हुई? उत्तर है 15वीं शताब्दी में। हठयोग की रचना 15वीं शताब्दी में हुई थी। प्रश्न 47, हठयोग प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं? उत्तर 4, हठयोग प्रदीपिका में 4 अध्याय हैं। प्रश्न 48, हठयोग प्रदीपिका में किन विषयों का वर्णन है? हठयोग प्रदीपिका में किन विषयों का वर्णन है? उत्तर आसन, प्राणायाम, चक्र, कुंडलिनी, बंध क्रिया, शक्ति, नाड़ी, मुद्रा आदि। हठयोग प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, चक्र, कुंडलिनी, बंध क्रिया, शक्ति, नाड़ी, मुद्रा आदि का वर्णन है। प्रश्न 49, हठयोग प्रदीपिका किस योग पद्धति का अनुसरण करती है? हठयोग प्रदीपिका सनातन हिंदू योग पद्धति का अनुसरण करती है। सनातन हिंदू योग पद्धति का अनुसरण हठयोग प्रदीपिका करती है। प्रश्न 50, हठयोग प्रदीपिका किसके मंगलाचरण से आरंभ होती है? हठयोग प्रदीपिका किसके मंगलाचरण से आरंभ होती है? उत्तर आदिनाथ। आदिनाथ भगवान शंकर के मंगलाचरण से हठयोग प्रदीपिका आरंभ होती है। प्रश्न 51, हठयोग प्रदीपिका के प्रथमा उपदेश में किसका वर्णन है? जो प्रथम उपदेश है हठयोग प्रदीपिका का उसमें किसका वर्णन है? इसका उत्तर है आसनों का। हठयोग प्रदीपिका के प्रथमा उपदेश में आसनों का वर्णन है। हठयोग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में किसका वर्णन है? उत्तर है प्राणायाम का। हठयोग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में प्राणायाम का वर्णन है। हठयोग प्रदीपिका के तृतीय उपदेश में किसका वर्णन है? उत्तर योग मुद्राओं का। हठयोग प्रदीपिका के तृतीय उपदेश में योग मुद्राओं का वर्णन है। प्रश्न 54, हठयोग प्रदीपिका के चतुर्थोपदेश में किसका वर्णन है? उत्तर समाधि का। हठयोग प्रदीपिका के चतुर्थोपदेश में समाधि का वर्णन है। प्रश्न 55, योग दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है? उत्तर योग सूत्र। योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र है। प्रश्न 56, पतंजलि ने योग सूत्र की रचना कब की? उत्तर 400 ईस्वी के पहले। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना 400 ईस्वी से पहले की। प्रश्न 57, पतंजलि के अनुसार योग क्या है? पतंजलि के अनुसार योग क्या है? उत्तर चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्त वृत्ति निरोधी योग है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। प्रश्न 58, योग सूत्र का लगभग कितनी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ? उत्तर 40। योग सूत्र का लगभग 40 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। प्रश्न 59, योग सूत्र का किन दो विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? योग सूत्र का जो दो विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ यह है प्राचीन जावा भाषा एवं अरबी। प्राचीन जावा भाषा एवं अरबी दो विदेशी भाषाएं हैं जिनका योग सूत्र में अनुवाद हुआ है। प्रश्न 60, योग दर्शनाकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में किसके सिद्धांतों का प्रतिपादन और समर्थन किया है? योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में किसके सिद्धांतों का प्रतिपादन और समर्थन किया है? उत्तर सांख्य दर्शन के। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का प्रतिपादन और समर्थन किया है। इस वीडियो में मैंने आपको 30 प्रश्न बताए हैं जो योगा के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैंडिडेट्स योगा के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के BA MA PG डिप्लोमा और अन्य यूनिवर्सिटी के और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।